हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है सरदार पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेके। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है, सरदार पटेल को। पहला क्वेश्चन यूपीएससी यहीं पे बना सकती है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान पे रखना है। अब भाई, सरदार पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्जा क्यों दिया गया, वो हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं। देखो, बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो जिन्हें इंडिया के लोह पुरुष या आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, हॉलीवुड वाले आयरन मैन नहीं, इंडिया के आयरन मैन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अभी कल यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को उनकी 143वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसी मौके पे उनके स्टेचू का उद्घाटन है वो किया गया। और यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेचू है, 182 मीटर लंबा स्टेचू है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अद्वितीय योगदान था वो ये था, हमारे देश की जो देसी रियासतें थी उनका एकीकरण उन्होंने करवाया था आज़ादी के बाद। मतलब जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे देश में क्या कि छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट बने हुए थे, लगभग 562 प्रिंसली स्टेट थे, मतलब छोटी छोटी रियासतें थी। क्यों, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रखा था। तो उन स्वतंत्र जो भी रियासतें थी उनको बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण करवाया, मतलब यूनिटी में उनको बांधा, एकता में। इसीलिए उनको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ बात करें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और, तो देखो इंडिया के पहले वो होम मिनिस्टर रहे थे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है आज़ादी के बाद। और जो उनका अहम योगदान था वो एक तो ये था कि 1918 की जो मूवमेंट हुई थी इसके साथ ही उसमें असहयोग आंदोलन में उनका अद्वितीय योगदान था। और सबसे अहम क्या था, गुजरात में जो बारदोली में 1928 में जो जमीन टैक्स का लेके इश्यूज हुआ था कि किसानों से टैक्स जबरन वसूला गया था, तो उनसे जमीनें छीन ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंदोलन रखा और उसमें जमीनें किसानों को वापस करवाई गई थी। तो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली मूवमेंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे अहम फैक्ट और यहाँ पर हो रहा है वो ये आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसका एक सेशन हुआ था। अब ये सेशन आपको बताना है कि हुआ कब था, वो ईयर मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी ईयर में वो सेशन हुआ था और वहाँ हुआ कहाँ था। वो तो देखो बेसिकली हुआ था कराची में। तो अब आपको बताना है कि इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से कांग्रेस का सेशन था जिसमें बेसिकली मतलब अध्यक्षता वो की थी। कराची में सेशन हुआ था, आपको ईयर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखो और फैक्ट थोड़ा हम देखें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू बनाया गया है गुजरात में, ये कहाँ पे है, ये नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। बेसिकली वो नर्मदा रिवर पे एक जो आइलैंड है जिसका नाम है बेसिकली साधु बेस आइलैंड, तो इस आइलैंड पे इसको निर्माण है वो किया गया है। और बात करें स्टेचू है तो वो सतपुड़ा और विंध्याचल की रेंज के बीच में आता है, क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्या के बीच में बेसिकली फ्लो है वो करती है। तो ये फैक्ट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी थोड़ा घुमा के पूछ ले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है वो सतपुड़ा और विंध्या के रेंज में है या नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और जिसने इस स्टेचू को बनाया उनका नाम है बेसिकली रामवी सुतार। तो रामवी सुतार है, इन्होंने इस स्टेचू का निर्माण है वो किया है, जो कि भारत के आप बोल सकते हो कि शिल्प प्रतिष्ठित शिल्पकारी हैं, जिनको बेसिकली पद्म भूषण से भी सम्मानित है वो किया गया था। और अभी वो न्यूज में भी रहे थे, तो ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि किसके द्वारा इनका निर्माण है वो किया गया था। और बेसिकली इसमें देखो जो स्टेचू है ये पूरे आउटलेयर है स्टेचू की वो ब्रॉन्ज से कोटिंग है वो की गई है, जो कि चाइना के द्वारा एक कंपनी के द्वारा बनाई गई है। तो ये कुछ फैक्ट्स है इस स्टेचू के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। तो हमने सारे पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल था हमारा वो था इम्प्रेस स्कीम को लेके, तो देखते हैं कि क्या है इम्प्रेस स्कीम, फिर हम इसके बारे में जानते हैं। इम्प्रेस स्कीम का मतलब देखो ये है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब हो गया देखो पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, पबेड हो गया। मतलब देखो आपको पता है कि 10th क्लास तक सोशल साइंस की एक बुक चलती है, इसी के अंदर ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम पॉलिटी पढ़ते थे और इसी में हम पबेड वगैरह पढ़ा करते थे। तो मतलब सोशल साइंस है उस पर रिसर्च करने के लिए बेसिकली ये स्कीम है वो लाई गई है। अब है कहीं सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो ये हमें ध्यान रखनी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम है वो है। काम क्या है इस स्कीम का, इस स्कीम का काम है कि सोशल साइंस में पॉलिसी रिसर्च को प्रमोट करना। मतलब इंडिया के अंदर ज्योग्राफी, पबेड, पॉलिटी जैसे एरियाज हैं इनमें पॉलिसी रिसर्च है उसको प्रमोट करना। अब देखो थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं तब हमें और अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लो कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, ये मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लें कि वो कोई रिसर्च वगैरह कर रही है या फिर कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च कर रहा है सोसाइटी वगैरह को लेके, किसी पॉइंट को लेके।
अब आपको पता है कि गवर्नमेंट भी रिसर्च करती है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करनी हो या फिर गवर्नमेंट को और भी तरह के जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने हो, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्वे वगैरह करवाती रहती है। अब ये मान लो कि DU है, वो एक सर्वे कंडक्ट करवा रही है सोसाइटी को लेके, किसी मतलब ऐसे ही सर्वे करवा रही है ताकि पता चले कि भाई गांव में जैसे लोग हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल वगैरह उसकी चीज़ को लेके। और वहीं गवर्नमेंट चाह रही है कि यार गाँव की लाइफ के ऊपर हम फोकस करें और देखें कि उनकी आजीविका कैसी है। तो दोनों का मोटो कुछ एक जैसा ही हो गया। तो अब होगा क्या, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट भी तो ऑब्वियसली पैसे खर्च करके सर्वे करवाती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पैसे हैं वो DU को दे देगी कि हाँ भाई ठीक है आप सर्वे करा रहे हो, हम आपको पैसे दे रहे हैं और आपको फंडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इस सर्वे को कंडक्ट वो करवाइए, इससे हमें भी हेल्प मिलेगी और आपका भी सर्वे है वो पूरा हो जाएगा। मतलब सोशल साइंस के एरियाज में पॉलिसी रिसर्च वगैरह होंगी तो काफ़ी हेल्प है इसको मिलेगी गवर्नमेंट को। इससे गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छी स्कीम बना सकेगी, गवर्नमेंट और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि देखो गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद गाँव से कनेक्ट नहीं हो पाती, कनेक्ट होती है बट देखो एक लिमिट होती है गवर्नमेंट की हर एरिया में रिसर्च की, बट वहीं पे कोई पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट है वो रिसर्च कर रहा है तो वो और ज़्यादा अच्छे से रिसर्च करेगा। तो इससे एक तो क्वालिटी है गवर्नमेंट को वो मिलेगी और पॉलिसी रिसर्च में और ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इसमें फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाएगी। अब हम बात करें कि मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाएगी, तो देखो जो फंडिंग दी जाएगी वो मॉनिटर करवाई जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा, ICSSR के द्वारा। जो भी फंडिंग दी जा रही है उसको मॉनिटर वगैरह करवाया जाएगा और गवर्नमेंट वो फंड प्रोवाइड करवाएगी। तो एक तो यह ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है, दूसरा किससे रिलेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है IAS तरंगिनी को लेके। तो देखो INS तरंगिनी है वो अपने 7 महीने की एक्चुअली यात्रा थी उसको कंप्लीट करके अभी इंडिया के जो कोचिन शिपयार्ड है वहाँ पे वापस आ चुकी है, तो उसको लेके बेसिकली कंटेक्स्ट है वो आया है। तो एक तो UPSC पूछ सकती है INS तरंगिनी को लेके क्या कोई है नेवल शिप है, क्या कोई एक तरीके का मतलब डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, या फिर UPSC पूछ सकती है कि है कोई विक्रमादित्य की तरह कोई शिपयार्ड वगैरह है, तो यह हमें पता होना चाहिए कि है क्या कि पनडुब्बी वगैरह है किस तरीके के हैं। तो INS तरंगिनी है वो एक तरीके का शिप है, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक शिप है जो कि बेसिकली 1995 में इसको बनाया गया था, फिर इसके अलग अलग एडिशन से वो आए थे। अब इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली इसका यूज है वो किया जाता है। तो अभी पहले ये कंटेक्स्ट आया था कि भाई ये जो शिप था INS तरंगिनी ये एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के भ्रमण पे निकला था और 7 महीनों में पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करके वापस इंडिया में सही सलामत पहुंच गया है, तो उसको लेके एक भी कंटेक्स्ट है वो आया है। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने पावर का इंजन है और इसमें कौन कौन बैठे थे, लेंथ वगैरह क्या है, UPSC नहीं पूछेगी, बस इतना पता होना चाहिए कि भाई शिप है क्या है किस तरीके का क्या ऑक्यूमेंट है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो इसके बारे में सारे फैक्ट्स हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला फैक्ट इसका ये है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। देखो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर के द्वारा पब्लिश है वो की जाती है, यानी WWF के द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। साल में 2 बार ये पब्लिश की जाती है बायनोली, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई है वो भी थोड़ा हम देखते हैं, जो कि मेंस के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देखो बेसिकली बात करें कि अभी तक इसमें डाटा लिया गया है वो लिया गया है 1970 या 1960 के टाइम से, मतलब 1960-70 के डाटा को 2014 के टाइम तक कंपेयर किया गया है कि भाई उस टाइम से लेके आज के टाइम पे क्या क्या हमारे प्लेनेट पे इफेक्ट है वो पड़ा है। तो लगभग इसमें 4000 से ज़्यादा मेमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशिंग है, फिशर्स होगी, इसके साथ जो रेप्टाइल्स हैं उनको इंक्लूड करके रिसर्च की गई है और ये पता चला है कि भाई अभी बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देखो इसमें डाटा भी दिया गया है कि जो वेटलैंड है जिसने आर्द्र भूमि हम कहते हैं वो लगभग 87% तक कम हो गई है 1970 के टाइम से अगर कंपेयर करें तो, मतलब 87% जो एरिया है वेटलैंड का वो अभी कम हो चुका है 1970 के टाइम से लेके। इसी के साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसका भी भारी नुकसान हो रहा है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी एक्सप्लोइट किया जा रहा है जिससे जो इकोसिस्टम है वो बुरी तरीके से प्रभावित है वो हो रहा है। इसके साथ इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी तक देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग 1/4 हिस्सा ऐसा बचा है जिसको अभी तक इंसान ने टच नहीं किया, मतलब वो इंसान की पहुंच से दूर है, बाकी इंसान ने सारी एरिया को अपने अंदर मतलब सारी एरिया को अपने के अंदर कैप्चर करके तहस नहस कर दिया है। इसके साथ ही जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है मतलब वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हो गई वो भी 60% तक डिक्रीज हो गई है 1970 के टाइम से हम कंपेयर करें तो।
तो मतलब भारी क्षति पहुंचाई जा रही है एनिमल्स है, उनका भी नुकसान हो रहा है और काफी ज्यादा एनिमल्स वगैरह को या प्लैनेट्स वगैरह को एक्सप्लोइट है वो किया जा रहा है। आगे हम जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है देखो वो नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बना कब था? 1961 में इसको बेसिकली बनाया गया था, तो ये भी हमें फैक्ट है ध्यान में रखना है। इसका काम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ नेचर है ये बेसिकली। देखो इसका मेन काम यही है कि ह्यूमन के इम्पैक्ट की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए काम है वो करता है। देखो इंसान की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और देखा जाए तो इंसान ही इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी इंसान उसके पीछे लगा है। जबकि इंसान के लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बट फिर भी इंसान उससे जो ज्यादा एक्सप्लोइट है वो कर रहा है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो हमने जाना भी कि लिविंग प्लेनेट इन रिपोर्ट है, वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा पब्लिश की जाती है। और हम बात करें रिपोर्ट है वो 1998 से पब्लिश है वो की जा रही है। अब देखो जो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर पर रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये बेसिकली यहाँ पे दो इंडेक्स हैं उनके आधार पर पब्लिश की जाती है। तो यूपीएससी इन इंडेक्स के बारे में भी पूछ सकती है कि कौन से पैरामीटर के आधार पर लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। एक तो है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है और एक है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है, इन दोनों की हेल्प से लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है। मतलब इन दोनों इंडेक्स के आधार पर ये रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है। बाकी जो सारे फैक्ट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके साथ हम बात करें इसकी फंडिंग कहाँ से आती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की। तो देखो एक तो इंडिविजुअल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है, इसके साथ इंडिविजुअल पर्सन भी इसको फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, वर्ल्ड बैंक है वो भी इसको फंडिंग देता है, और अदर स्टेक होल्डर है वो भी फंडिंग है इसको प्रोवाइड करवाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में है, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है पार्कर सोलर प्रोब को लेके, यानी कि सोलर पार्कर प्रोब जो मिशन है उसको लेके। सबसे पहला फैक्ट है कि किसका यह मिशन है? देखो यह नासा का एक मिशन है जो कि बेसिकली सन की स्टडी करने के लिए है। अभी हम जानते हैं कंटेक्स्ट तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट दमदार है नहीं, तो हम देखते हैं कि सोलर पार्कर प्रोब मिशन के बारे में और फैक्ट। देखो थोड़ा सन के बारे में जानते हैं। जिस तरीके से हमारी अर्थ के अंदर कोर होती है, फिर आउटर कोर है, फिर उसके बाद में मेंटल है, और उसके बाद में हमारी बाहरी सरफेस है वो आती है, तो उसी तरीके से सन के बीचों बीच में जो एरिया है उसको कोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो उसके और बाहरी एरिया है उसको सन स्पॉट जिसके नाम से, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोरोना है, इसके नाम से बेसिकली जाना जाता है। अब देखो जो कोरोना आप देख सकते हो कि जो आउटर लेयर होगी एकदम किनारे वाली जहां से जो सूरज हमें जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है वो है बेसिकली कोरोना। और कमाल की बात क्या है कि सन की जो सबसे आउटर लेयर है ना इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, मतलब अंदर से भी ज्यादा टेम्परेचर है कोरोना का। तो बेसिकली इसी चीज की स्टडी करने के लिए ये मिशन है वो लॉन्च किया गया था कि सन की जो आउटर लेयर होगी ना, या जो आउटर फ्लेम होगी। देखो यहाँ से क्या होता है कि जब भी तूफान वगैरह आते हैं ना स्पेस में, तो यहाँ से लपटे वगैरह वो बाहर निकलती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे सेटेलाइट सिस्टम को भी इफेक्ट करती हैं, और इसके साथ ही हमारे अर्थ पे जीवन को प्रभावित है वो करती हैं। तो बेसिकली ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है ये स्टडी करेगा कि भाई कोरोना का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, इसके बारे में और ज्यादा क्लियरिटी है वो आएगी। तो उसको लेके लॉन्च वो किया गया था इसी साल 2018 में, इसको लॉन्च है वो किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि नासा का बेसिकली ये मिशन है। अब देखो बात ऐसी है कि जो आउटर कोर जो होगी, सॉरी जो कोरोना होगी, इसमें अगर कोई भी तूफान वगैरह आता है ना, या हीट होती बाहर की तरफ में प्रोड्यूस होती है, तो उसे सोलर विंड के साथ कंबाइन होकर, जैसे मैंने आपको बताया कि तूफान वगैरह आते हैं तो वो हमारे सेटेलाइट सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत का सामना देखने को मिलता है। तो सेटेलाइट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। उन सब की बेसिकली स्टडी है वो पार्कर सोलर प्रोब मिशन के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज को लेके। देखो रिसेंटली वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज है वो भी स्टार्ट है वो किया गया है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम इसके थोड़े फैक्ट हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी एग्रो वर्ल्ड सबमिट हुआ था इंडिया के न्यू दिल्ली में 2018 में, और सबसे पहला एडिशन इसका अभी यहीं से स्टार्ट है वो किया जाएगा वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज का। तो अभी जो एग्रो वर्ल्ड 2018 का एडिशन इंडिया में हुआ, जिसे कि ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप सबमिट के नाम से भी जानते हैं, ये सबमिट तो देखो पुराना है, बट ये प्राइज है ये अभी इसी साल से स्टार्ट किया गया है, मतलब 2018 से इस प्राइज को स्टार्ट किया गया है। तो ये जो सबमिट हुआ था ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप सबमिट, इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आए, और उनमें काफी मतलब बातचीत वगैरह हुई, ये सारे काम वगैरह किए गए थे।
तो इसी दौरान बेसिकली वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइस है इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी, किसके द्वारा? एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि बेसिकली एक ऑटोनोमस अपेक्स बॉडी है, एक थिंक टैंक के तौर पे काम है वो करती है, मतलब गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर के एरिया में रिसर्च है करने का काम, कोऑर्डिनेशन का काम, इसके साथ ही जो भी माहौल तैयार करना होता है रिसर्च वगैरह के लिए वो सारे काम इसके द्वारा किया जाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है जिसने बेसिकली ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट में हिस्सा लिया था, उसने बेसिकली वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइस को स्टार्ट है वो किया है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब ये जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइस है इसमें एग्रीकल्चर और वर्ल्ड में जो हंगर है भूखमरी है इसके ऊपर बेसिकली फोकस ज्यादा किया है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर और भूखमरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है तो भूखमरी बढ़ती है। तो इसमें जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइस है वो एक साइंटिस्ट है इंडिया के जिनका नाम है वैज्ञानिक या साइंटिस्ट स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, जिनके बारे में हमने रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ी हैं, तो उनको बेसिकली वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइस से नवाजा गया है। तो इसी साल ये स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो कि इंडिया की एक अपेक्स या ऑटोनोमस है, बोल सकते हैं कि एक थिंक टैंक है जो कि एक तरीके से फूड और एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च का माहौल है वो तैयार करता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह के काम इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें डॉक्टर स्वामीनाथन के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो देखो इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उनके द्वारा द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का दर्जा भी इनको दिया गया था। तो यूपीएससी ये पूछ सकती है कि द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का दर्जा किसके द्वारा दिया गया और किसको दिया गया, तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूएनईपी के द्वारा साइंटिस्ट स्वामीनाथन है उनको बेसिकली यह दर्जा है वो दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में जो हमने यहाँ पे एक एक करके डिस्कस है वो किए हैं। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। अब हम थोड़ा देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी को लेके। स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी की यह किससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट यह है कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है वो बेसिकली वैष्णव संत है रामानुजाचार्य उनको समर्पित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वैष्णव संत रामानुजाचार्य को बेसिकली यह समर्पित है। ये हो गया दो स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बेसिकली चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। ये बेसिकली तंजोर पेंटिंग से रिलेटेड है, तंजोर पेंटिंग को लेकर मैं आपको चार स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि तंजोर पेंटिंग है वो एक मिनिएचर पेंटिंग है यानी कि लघु चित्रकला है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि तंजोर पेंटिंग है वो 18वीं और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित है वो हुई थी, मतलब 18वीं और 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बेसिकली इसको डेवलप किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि तंजोर पेंटिंग है उसमें सोने और जो आप बोल सकते हो कि हीरे जवाहरात हैं इनका प्रयोग किया जाता था। और चौथा स्टेटमेंट ये है कि तंजोर पेंटिंग को जीआई टैग है वो प्रोवाइड किया गया है। ये आपको बताना है कि चारों स्टेटमेंट से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि मिनिएचर पेंटिंग है यानी कि लघु चित्रकला। दूसरा है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में डेवलप हुई। तीसरा स्टेटमेंट है कि सोने और जो आभूषण सॉरी जो हीरे जो आ रहता है इनका यूज किया गया है। चौथा स्टेटमेंट है कि जेटेग इसको दिया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है जयंतिया ट्राइब को लेके, तो आपको बताना है कि जयंतिया ट्राइब के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये है कि जयंतिया ट्राइब है वो मेघालय से रिलेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट ये कि जयंतिया ट्राइब है वो एक मातृ सत्तात्मक फैमिली को सपोर्ट है वो करती है, मतलब इसमें पुरुष प्रधान की जगह मातृ सत्तात्मक ज्वाइंट सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट की हमारे, तो वो चौथा जो क्वेश्चन आता है हमारा वो आता है पेट कोक को लेके। तो पेट कोक के बारे में पहला स्टेटमेंट ये है कि पेट कोक के अंदर 90% सल्फर होता है और 3 से 6% कार्बन है वो पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि 90% सल्फर प्लस 3 से 6% होता है इसमें कार्बन। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि पेट कोक है इसका भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर है, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो कंज्यूमर है वो भारत है। तो ये चार क्वेश्चन है बेसिकली, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। इसी के साथ मैंने आपसे शायद एक क्वेश्चन पूछा भी था कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से रिलेटेड, कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है, मतलब ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बाद कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी संस्था है वो बनाई गई थी। तो
शायद आपने इसका आंसर अभी तक नहीं दिया, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला स्टेटमेंट है इसमें, पहला ऑप्शन है ब्रिक्स, दूसरा है SCO, तीसरा है इप्सा, चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।